Length of tendons. Length of tendons. Length of tendons का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई सर्किल यहाँ लेते हैं और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट भी है, ये ए है और ये बी, तो एपी जो डिस्टेंस हुआ एपी और बीपी, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पर, तो जहां टच करता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां तक उस पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा दोनों का बराबर, तब पी ए और बीबी दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम लोगों का जो होगा ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, टेंजेंट ड्रॉ किया पी से इधर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको टच किया कहां पर, ए पर, और इसको टच किया बी, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे इसको मिला देते हैं, है ना, प्रूव करने के समय, ये गलत करते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये क्या होगा, ये ऐसे नहीं है, सीधे नहीं आए, ये मान लीजिए ये सेंटर है अगर, तो यहाँ पर जो होगा ये ऐसे आएगा तेरह, ठीक है, ये होगा नहीं, ये पॉइंट होगा ये कभी भी, क्योंकि जब सीधा होगा सेंटर से पास करेगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया और ये पॉइंट, तो यहाँ पर गिवन में क्या है, तो यहाँ इसको कैसे स्टेटमेंट देगा, अगर देगा प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर, ये चीज कर रहे हैं। तो यहां पर गिवन क्या है, गिवन में है पी ए एंड पी बी आर लेंथ ऑफ टेंजेंट, साथ ही ये दिया हुआ है ओ सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसमें ट्रू प्रूफ क्या है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, और यहां हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये तो दिया नहीं था, एओ और ओ बी हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एओ ओ बी एंड ओ बी, ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जब इसको हम ज्वाइन किया तो उसके बाद क्या मिला, दो ट्रायंगल्स मिल गया, ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी एंगल ओएपी, एंगल ओएपी इज इक्वल टू एंगल ओबीपी, क्यों, 90 डिग्री, जो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू और ये क्या है, OA और OB क्या है, रेडियस है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस, और OP क्या हो गया, OP इक्वल टू OP इक्वल टू कॉमन, और ये कॉमन है दोनों के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज, कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये मैट्री के सामने है तो ये हाइपोटेन्यूज के लिए भी हो गया, और इस मैट्री सामने भी है तो ये हाइपोटेन्यूज, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल AOP इज कॉन्गेंट टू ट्रायंगल BOP,
क्यों भाई आरएचएस हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा आरएचएस है कांग्रेस आरएचएस कांग्रेस। तो अब जब ये हो गया तो अब यहां से हम लिख सकते हैं एपी इक्वल टू बी क्यों हो गया सीपीसी तो प्रूफ हो गया क्या हो गया ये। अब इसके बाद क्या है साथ ही साथ इसमें और भी अगर पूछे थ्योरम के रूप में ना पूछ करके क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं कि प्रूफ दैट ये एंगल इसके बराबर है ऐसे पूछता है डायरेक्ट इसमें तीन क्वेश्चन बन सकता है या पूछ सकता है कि प्रूफ दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस तो सब स्पेसिफिसिटी से आएगा कॉर्नरी में कि एंगल एपीओ एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल पी किसके बराबर होगा इस पी के बराबर हो जाएगा मतलब कि बीपीओ एंगल बीपीओ एंड एंगल एओपी एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओ एंगल बीओ ये भी हो जाएगा सीबीसीडी। तो दूसरे ढंग से कैसे कर सकते हैं कि इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट और इस सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा ठीक है ऐसे कर सकते हैं बीपीओ सर हां बीपीओ एपीओ एपीओ इक्वल टू बीपीओ इक्वल टू बीपीओ हां बीपीओ बीपीओ ठीक है इतना समझ गए चलिए।